हाय गुड इवनिंग, दिस इज अविनाश राय, डायरेक्टर ऑफ आरके एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर। आज हमें चित्रकूट ग्राउंड में, और आज हमारे साथ है डॉक्टर रोहित जी। हेलो। आज हमारा जो कैंप है, आज पूरा दिन भर सुबह से हमारा सुबह 7 बजे से जो कैंप हुआ टिल अभी तक, रोहित जी इतना कैंप का जो मैनेजमेंट देख के थक हार चुके, हमने सोचा रोहित जी को 5 मिनट अंदर बुलाया जाए और उनको बैठ लिया जाए। रोहित जी प्लीज बताइए कि आज आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आज एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस रहा है हमारा। इतने सारे मान्यवर लोग आए थे और इतने सारे डॉक्टर्स और इतने सारे पेशेंट्स को हमने आज मैनेज किया है, और ये मैनेजमेंट करते हुए आज हमने एक बहुत सारी चीजें सीखी भी है यहाँ पे जी। और ये चीजों को मैनेज करने के लिए जो मैन पावर चाहिए, वो मैन पावर हमें अविनाश जी ने और मनीष कुमार जी ने हमें प्रोवाइड किया था, और उस हिसाब से जो हमने आज काम किया है, वो काम से बहुत सारे लोगों को हमने अच्छी तरीके से सेवा दी है जी जी, और लोग बहुत खुश होके गए हैं, और हम ऐसे ही कैंप बार बार करना चाहेंगे, और लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज देना चाहेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज देना चाहेंगे। जो लोगों को मेडिकल सेवाएं नहीं मिलती, उनको देके हम उनका ये करना चाहेंगे कि उनको आगे कुछ जी अच्छा ट्रीटमेंट बने। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप एक प्रोफेशन में एक डॉक्टर हो, यस, और ये ट्रस्ट का तरफ आपका झुकाव कैसा है, और आपका एक्सपीरियंस कैसा है, और कितना टाइम से आप ये ट्रस्ट के साथ में जुड़े हुए हो? देखिए, मैं एक पैथोलॉजिस्ट हूँ, और इन्फेक्शन कंट्रोल ये मेरा एक टॉपिक है, सब्जेक्ट है मेरा, जिसपे मैंने काम किया है। मैं इंग्लैंड में भी काम कर चुका हूँ, मैं फ्रांस में भी काम कर चुका हूँ, मैं यूरोप में काम कर चुका हूँ। यहाँ आने के बाद में जब एक होम केयर करके एक एस्पेक्ट है जहाँ पे काम करने का मुझे मौका मिला, पोर्टिया मेडिकल कंपनी के थ्रू, वो काम करते करते लोगों की सेवा किस तरीके से और तरह से हम कर सकते हैं, इसका मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। और वो एक्सपीरियंस लेने के बाद में मैं धर्मेंद्र कुमार जी से मिला, जब उन्होंने मुझे उनके एजेंडा के बारे में बताया, कैंप्स कैसे होते हैं, क्या कैसे होते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर हम मिलके काम कर सकते हैं इसमें, तो आपका टैलेंट और हमारा एक्सपीरियंस मिलके हम कुछ एक अच्छा एक लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे माफी चाहना चाहूंगा कि मैं बीच में आपका बोल रहा हूँ, लेकिन आज जिस तरीके का आपका जो मैनेजमेंट मैंने देखा है, और मैं तो बेसिकली हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री से हूँ, और मैं तो मेरा तो आप समझ लीजिएगा मेरा DNA में है, तो लेकिन जिस हिसाब का आपका जो मैनेजमेंट रहा वो बहुत बेहतरीन रहा, और ये इसका पहले कोई एक्सपीरियंस था सर, या ऐसा ही है आपका? सर, मैनेजमेंट के बारे में आप बोलेंगे तो हमने बहुत सारी बड़ी बड़ी CMEs मैनेज करी है, डॉक्टरों की CMEs मैनेज करी है, जिसमें हमने स्टेज शोज मैनेज करे थे, उसके बाद में हमने बहुत सारे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस हमने मैनेज करे थे, जॉइंट कॉन्फ्रेंसेस, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मेरा उसमें है। लेकिन आज का ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो एक्सपीरियंस है, वो मेरे लिए बहुत एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है, और ये एक जॉइंट एक्सपीरियंस है, मेरा अकेले का नहीं है, इसमें टीम वर्क है, जिसमें मुझे आप लोगों के टीम से, आप लोगों से, और मेरे सारे डॉक्टर 365 टीम से मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। फैंटास्टिक सर, हमने आपका आज टीम वर्क भी हम लोगों ने देख लिया, इसके लिए हमने सोचा सबका एक बार बैठ के हम लोग एक रूबरू हो जाए, तो सर आप एक आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे? सर, मैसेज में हम ये देना चाहेंगे कि हम ये चाहेंगे कि जो कैंप्स हम करते हैं, वो कैंप्स में जितने भी लोग आइडेंटिफाई होते हैं जिनको पोस्ट कैंप ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, उनको हम एक स्पेशल उनका डेटा बना के हम उनकी ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे, और अलग अलग हॉस्पिटल से उनको ये सेवा देने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि उनके जो भी सर्जरीज है, उनके जो भी फर्दर ट्रीटमेंट्स है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम कर सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर रोहित जी, आपके साथ में मिलकर काम करने का हमें भी एक मौका मिला, तो हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो हाय, हमारे साथ बैठी है पायल जी, जो डॉक्टर 365 की एडमिन हेड है। सो पायल जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जब हमें जानने ये मिला है कि आप एक साल से उनसे जुड़ी हुई हैं, सो आज का जो इवेंट हो रहा है, तो उसका आपको एक्सपीरियंस क्या रहा, और आपका जो 1 ईयर से काम करिए उसका एक्सपीरियंस क्या रहा?
इस कैंप में मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मनीष सर और अविनाश सर का काफी अच्छा सपोर्ट था, सब मैनेजमेंट की बहुत नई नई चीजें सीखने को मिली हमें, और डॉक्टर धर्मेंद्र सर को बहुत ज्यादा थैंक यू कि हमें वो ऐसी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, एक नई नई चीजें सीखने के लिए हमें रोज मुझे प्रेरित कर रहे हैं, थैंक यू। सो हाय, हमारे साथ है हर्षदा जी जो डॉक्टर 365 की फॉर्म की एचआर एडमिन एग्जीक्यूटिव हैं। सो हम ये जानना चाह रहे हैं कि मैम आपको इस कंपनी के साथ, इस इवेंट के साथ जुड़ के क्या एक्सपीरियंस मिला, आपको नॉलेज क्या मिला, कैसा रहा आज का दिन सवेरे से लेके अब तक का? आज का दिन बहुत अच्छा था। सर के साथ काम करने से बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, जो चीज़ें पता नहीं थी अभी तक लाइफ में वो पता चल रही है, मैनेजमेंट का, बाकी सब काम का, ये जो फील्ड है उसका सब एक्सपीरियंस अच्छे से मिला। सो मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको करीबन करीबन एक साल हो गया है इसमें काम करते, तो जब आप लोगों को देखती हैं आपके पास से वो खुश होके जाते हैं, तब आपकी फीलिंग क्या रहती है कि हाँ आज आपको अच्छा लगा, अच्छा लग रहा है कि हाँ हमारी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है कि सर को तो ब्लेसिंग मिलती है बट उनके साथ हम लोगों को भी मिलती है। सो मैम हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये सब जान के, इतने चीज़ें हमें जानने मिल रही है, नॉलेज मिल रहा है, आप बता रहे हो, बहुत सारे हम लोग ने लोगों की इंटरव्यू ली है, बहुत सारे लोगों ने अपना अपना रिव्यूज दिया है, तो हमें बहुत अच्छा लगा आपसे साथ जुड़ के, आपसे मिलके। सो थैंक यू सो मच कि आप इस इवेंट के साथ आई, हमारे साथ जुड़ी, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। हाय, हमारे साथ बैठी है राजेश्वरी जी जो डॉक्टर 365 के फॉर्म की डिजिटल मार्केटर हेड है। सो मैम कैसा रहा आज का आपका एक्सपीरियंस, जो आज इवेंट हुआ है, इतने सारे लोग आए, इतने सारे लोग खुश होके यहाँ से गए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोग आए हैं जिन लोगों को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, जिन लोगों के पास इतने पैसे नहीं है अपने इलाज कराने के लिए, वो लोग यहाँ पे फ्री मेडिकल चेकअप के लिए आए हैं, जहाँ पे ब्लड टेस्ट है, फिर ECG टेस्ट है, फिर उनको दवाइयाँ मिलती है, उनको स्पेक्टिकल्स चेक्स होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोगों के लिए काम करते हो, वो भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो पर बस अच्छा चाहते हो उनके लिए। सो मैम मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप अपने साइड से कोई एक मैसेज देना चाहें कि पूरे देश की जनता को, एज अ डिजिटल मार्केटर यू आर फ्रॉम दिस बिग फर्म, सो कि वो ये जान सके कि वो आपसे कैसे कनेक्ट हो पाए। तो बेसिकली मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जितना हो सके आप लोगों की मदद करें, लोगों की सेवा करें, लोगों के बारे में सोचें, थोड़ा डोनेशन दें ताकि लोगों को अच्छा लगे और लोगों की सहायता हो, फ्यूचर में आपको भी अच्छा लगेगा और दूसरों को भी हेल्प हो जाएगा। सो थैंक यू मैम, हमें आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, शायद ये हमारी कंपनी का वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू रहेगा इस इवेंट के साथ, इस कंपनी टाइप के साथ। सो थैंक यू सो मच हमारे देश की जनता की तरफ से और मेरी तरफ से, हमारी कंपनी की तरफ से, जो आपने इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है, एंड थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। सो हाय, हमारे साथ बैठे हैं आशीष कुमार जी जो इस इवेंट का पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी आशीष जी कि आपका जो इवेंट रहा है आज का, उससे आपको क्या पता चला है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? हाय, आई एम आशीष कुमार। मैं ये बताना चाहूंगा कि आज का जो इवेंट रहा बहुत ही अच्छा रहा, और इसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि प्लानिंग, जो प्लानिंग किया गया है वो प्लानिंग मिस्टर अविनाश राय के द्वारा और मनीष वर्मा के द्वारा, ये दोनों इस प्लान के पिलर रहे हैं और इनके द्वारा ही बताए गए वर्क से हम लोग ने इम्प्लीमेंट किया और आज हमें जाके इस काम के लिए, इस महा आरोग्य शिविर में हमें इतनी ज्यादा सफलता मिली। सो कैप्चर इमोशन, मतलब हमारी टीम आपसे ये जानना चाह रही है कि जो आपका नेक्स्ट इवेंट रहेगा, जो आज की इतनी सारी जनता आई है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इस बार के दौर से ज्यादा अच्छा वो इवेंट होगा? हर एक बार जो होती है वो हर एक बार चेंजेस होती रहती है, और हमारी जो टीम है, बैक टीम काम कर रहे हैं, और हमारे पास जो दो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं जो हमारे टीम के लिए काम करते हैं, जो जिसको हम पिलर बता सकते हैं, उनके द्वारा जो वर्क हो रहे हैं, जो मनीष वर्मा और अविनाश राय के साथ जो हम लोग वर्क कर रहे हैं, आने वाले टाइम में जो हमारे कैंप हो गए वो गुड बेटर बेस्ट में जाएंगे। जी सर, सो जैसा मुझे अविनाश जी ने बताया, आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं धर्मेंद्र सर को, मनीष जी को, तो एज इन पर्सन आप कैसे उनके साथ जुड़े,
कैसे काम बढ़ा आपका? ये काम हम लोग तो हेल्थ केयर में लास्ट 12 ईयर से वर्कआउट कर रहे हैं और डॉक्टर 365 के बैनर में हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं जो पेशेंट केयर के लिए है। और लास्ट बिफोर सिक्स मंथ्स हमें कनेक्शन मिले हैं डॉक्टर धर्मेंद्र के थ्रू, मिस्टर अविनाश राय और मनीष वर्मा सर के साथ। तो ये दोनों के साथ जब हम लोग ने अपनी टीम को कंबाइन किया तब हमको और ज़्यादा अच्छा करने के लिए हम लोग ने प्लानिंग किया और वो प्लानिंग जो है डे बाय डे इम्प्रूव होके आने वाले टाइम में हम और उनके गाइडेंस में बेस्ट कर सकते हैं। दिस इज माय फ्यूचर प्लान फॉर देम। सो थैंक यू अविनाश जी, हमें अच्छा लगा आपसे बात करके। सो हाय, हमारे साथ है मनीष जी, आज जो यहाँ पे हम उनके साथ इंटरव्यू ले रहे हैं। सो मनीष जी, कैसा लग रहा है आज इतनी सारी जनता को देख के, इतना आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको, फील कैसा हो रहा है? नाउ फीलिंग गुड, अपने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आदमी हम लोग के पास आए और जो हम लोगों ने सोचा था उससे कहीं अच्छा ज़्यादा काम करने का कोशिश किया। हमारी टीम उन लोगों के साथ बैठ के काम किया और जितना हो सका उसको पूरा मदद करने का कोशिश किया। मैक्सिमम आदमी आए, मैक्सिमम आदमी को मैक्सिमम बेनिफिट देने का कोशिश की, जिसमें हम लोग बात सफलता प्राप्त हुई। सो मनीष जी, आप क्या चाह रहे कि ये जो आज इवेंट हुआ है वो इतना कामयाब गया है, तो आप बहुत जल्दी हम नेक्स्ट इवेंट का अनाउंसमेंट करेंगे। हमारी कोशिश सब जगह चालू है, जिस स्टेट में, जिस कंट्री के किसी भी स्टेट में जिसमें फर्स्ट हमको चांसेस मिलेगा, हमारी अभी जैसे बातचीत चल रही है मध्य प्रदेश में, अगर हमको वहाँ चांसेस मिला तो वेरी नेक्स्ट वीक हम उसका अनाउंसमेंट करेंगे। मनीष जी, आप हमें ये बताइए कि पब्लिक जो यहाँ पे आई है तो उनका रिवर्ड क्या मिला है, रेसिप्रोकेट लोगों की तरफ से How they feel, उनको कैसा फील लग रहा है एज अ जनता की तरफ से? मैंने बहुत आदमी से पूछा है, उसे समझने की कोशिश की है कि इस बार आने के बाद आपको कैसा लगा, क्या लगा और क्या आपने जो आपने मांगा था, जो आपका एक्सपेक्टेशन था उसमें आपको कैसा लग रहा है। सबने अपना एक्सपीरियंस अच्छा बताया है कि हमने जो सोचा था उससे कहीं अच्छा ज़्यादा फैसिलिटीज हैं और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, जो हम लोग ने ई श्रम कार्ड और जो भी व्हील चेयर, जो स्पेक्टिकल्स हम लोग देने वाले थे और वो सब, और हम लोगों ने जो मेडिकल फ्री दे रहा था वो फ्री मेडिकल चेकअप था, सारा चीज, ईच एंड एवरीथिंग, सब आदमी खुश है। सो थैंक यू सो मच मनीष जी, आपका योगदान बहुत अच्छा रहा है, जहाँ तक कि हम देख रहे इवेंट बहुत अच्छा जा रहा है, तो हम थैंक यू फॉर डूइंग दिस इवेंट और इतने सारे लोगों की हेल्प करने के लिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो हाय, हमारे साथ है जसविंदर सिंह जी। सो सर, जहाँ तक हम देख रहे हैं ये इवेंट इतना सक्सेसफुल गया है और बहुत अच्छा लगा इवेंट में, सारे लोग आए, इंडस्ट्री के लोग भी आए, सारे काफी लोग आए, उन्होंने काफी यहाँ पे कैंप में हेल्पफुली की, जो अविनाश जी और मनीष वर्मा जी ने जो इसमें जो सहयोग किया इस पूरे कैंप में, तो एक बहुत काबिल तारीफ है। और डॉक्टर साहब का तो हमेशा इस मामले में सहयोग रहता ही है, इस पर नई टीम जो हमारी बनी है उससे हमें ऐसा लग रहा है कि हम आगे जाके और भी बहुत अच्छे अच्छे कैंप और अच्छे अच्छे काम करें। तो अच्छा लगा सर मुझे आपसे मिलके, आपके बारे में जान के, आपका रिव्यूज जान के हमें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। सो हाय, हमारे साथ प्रहलाद जी जो फार्मास्यूटिकल्स के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सच अ बिग बिजनेस टाइकॉन, ही इज सिटिंग विद अस। सो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आज जो इवेंट हुआ है वो देख के आपको कैसा फील हो रहा है, लोगों का इतना अच्छा रिव्यू मिल रहा है? मैडम, ये इवेंट बहुत अच्छा था, बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत सारे लोगों की परेशानी हम लोगों ने देखी है, उन्होंने वो व्हील चेयर देखा, स्पेक्स देखा, तो काफ़ी लोग खुश हुए और उन्होंने बोला कि हो ऐसा इवेंट होना चाहिए और हम लोग आए। सो अच्छा लगा सर मुझे आपके बारे में जान के कि आपका इतना सारा योगदान रहा, इतने लोग खुश होकर यहाँ से जा रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग्स आप सबको मिल रही है। सो उसके लिए हम आपको कैप्चर इमोशन की तरफ से और हमारे पूरे देश की जनता से आपसे थैंक यू बोलना चाह रहे हैं सर, थैंक यू सो मच। सो हाय, हमारे साथ बैठी है नैतिका जी जो आज के समय में बहुत बड़ी आर्किटेक्चर है। सो नैतिका जी, आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है जो आपने इस इवेंट को पूरा मैनेज किया, आप देख रही है लोगों को, उनका फील देख रही है, उनका गेस्चर्स देख रही है, सो व्हाट्स योर फीलिंग अबाउट द पीपल्स? बेसिकली मेरा यहाँ पे लेआउटिंग वगैरह का काम था, बट देन स्लोली एंड स्टेडली मनीष सर और अविनाश सर ने मेरे को हेल्प किया कि इवेंट में भी मैनेजमेंट में हेल्प आउट करो,
तो आई वॉज देयर विद देम. उन्होंने मेरे को काफी हेल्प किया, उन्होंने मेरे को काफी गाइड भी किया फॉर द मूवमेंट ऑफ द पीपल, मूवमेंट ऑफ द डॉक्टर्स, उनका कैसे स्टॉल्स है एंड एवरीथिंग, उनका प्लेसमेंट है, हर एक चीज में उन्होंने मेरे को गाइड किया. इवन द डॉक्टर 365 टीम हैज हेल्प मी अ लॉट. सो आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन हु इज हेल्प मी इन दिस इवेंट टू मैनेज एंड कैरी फॉरवर्ड दिस एक्सपीरियंस. इवन द पीपल जो है आए हैं यहाँ पे, उनको भी काफी गाइडेंस मिली, उनको भी काफी हेल्प आउट हुआ ये मेडिकल कैंप की वजह से. सो आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन हु हैज हेल्प्ड एंड गाइड मी इन दिस इवेंट. सो दैतिका जी, आपको क्या यहाँ से नॉलेज मिला, आपके लिए सबसे अच्छी चीज क्या रही इस इवेंट को लेके? इस इवेंट को लेके सबसे अच्छी चीज ये थी कि यहाँ पे काफी लोग हैं जो हमारी मीडिया फ्रेटर्निटी से हैं, जिनको हेल्थ कैंप या फैसिलिटीज नहीं मिलती है, उनको काफी फैसिलिटीज हमने प्रोवाइड कराई है सर के थ्रू एंड इवन डॉक्टर 365 टीम के थ्रू. तो दे आर क्वाइट हैप्पी, दे आर गुड. तो ये अच्छा एक्सपीरियंस था. सो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, जान के कि आपका इतना योगदान रहा है इस इवेंट को लेके और आप इतनी ऊंचाई पे जा रही हैं. सो ये जान के हमें बहुत अच्छा लगा. सो थैंक यू सो मच कि आप इस इवेंट के साथ जुड़ी और हमसे मिली. थैंक यू सो मच. थैंक यू.